तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सैमसंग वन यूआई 6.0 का बीटा अपडेट कब आने वाला है एंड्रॉयड 14 के साथ और किन किन डिवाइसेस में सबसे पहले अपडेट आएगा। दोस्तों सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और गुड न्यूज है सैमसंग यूजर्स के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक, ना बेल आइकन आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सैम मोबाइल की तरफ से खबर आ रही है कि S23 सीरीज में सबसे पहले बीटा अपडेट आएगा जो कि जुलाई के 3rd वीक में आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले सैमसंग अपने लेटेस्ट एस सीरीज के डिवाइसेस में बीटा अपडेट देता है हर साल दोस्तों, तो इस बार S23 सीरीज में बीटा अपडेट मिलेगा। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीटा 3 एंड्रॉयड 14 का चल रहा है गूगल के डिवाइसेस के लिए, तो यहाँ पर अब जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है एंड्रॉयड 14 का अपडेट्स गूगल की तरफ से। तो अब सैमसंग जो है वो एंड्रॉयड 14 के साथ वन यूआई 6.0 का अपडेट अब देने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद ही सैमसंग जो है वो अपडेट दे सकता है, जो कि बताया जा रहा है कि जुलाई के 3rd वीक में अपडेट आ सकता है जो कि 16 से 20 जुलाई के बीच में आने वाला है। यहाँ पर सैमसंग जो है वो अपना अपकमिंग फोल्डेबल डिवाइसेस भी लॉन्च करने वाला है जिसका टीज़र आ गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन में शो कर रहा है 26 जुलाई को यहाँ पर अनपैक्ड इवेंट है 4:30 में दोस्तों, जिसमें कि सैमसंग जेड फ्लिप 5, जेड फोल्ड 5 और सैमसंग के वॉचेस लॉन्च होने वाले हैं। तो उससे पहले ही बीटा अपडेट रिलीज किया जाएगा। सैमसंग पिछले साल 11 अगस्त को अनपैक्ड इवेंट था और 5 अगस्त को रोल आउट कर दिया था, तो इस बार 26 जुलाई को अनपैक्ड इवेंट है, तो 16 से 20 जुलाई तक अपडेट आ सकता है। सबसे पहले ये जो अपडेट है साउथ कोरिया और US में रोल आउट किया जाएगा और S23 सीरीज के लिए S23, S23 प्लस, S23 अल्ट्रा, और अगस्त के स्टार्टिंग में हमें इंडिया में अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।